अयोध्या में रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आ गई है। कमल के फूल पर विराजमान है रामलला। मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाई है मूर्ति। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 16 जनवरी से राम मंदिर में शुरू हुई पूजा विधि जारी है। आज 21 वैदिक पूजन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूजा पाठ का आज चौथा दिन है। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के गर्भगृह की एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। मंदिर परिसर के अंदर बने यज्ञ कुंड, लगातार हो रहा पूजा अर्चन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या नगरी में भव्य तैयारी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या की सड़कों पर लगे भगवान राम और पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स। राम मंदिर गर्भगृह में लकड़ी और कपड़े से बना है शिखर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी तरीके से बनकर होगा तैयार। अधूरे निर्माण का कई संतों ने किया था विरोध। मंदिर को दिया जाएगा पूर्ण स्वरूप। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से अयोध्या भेजे जाएंगे 5 लाख लड्डू। 250 क्विंटल वजन के लड्डू किए गए हैं तैयार। 4 लाख लड्डू हो चुके हैं तैयार। शेष 1 लाख लड्डू की चल रही है पैकिंग। कार्यक्रम के लिए देश विदेश से भेजी जा रही सेवा। महाराष्ट्र से सीएम शिंदे की शिवसेना की ओर से भेजा गया 5100 किलो का शुद्ध घी। स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने भेजे हैं ट्रक। अनुष्ठान के लिए पीएम मोदी ने किया अन्न जल का त्याग। पिछले 8 दिन से नहीं ग्रहण किया अन्न जल के स्थान पर ले रहे नारियल पानी। 8 दिन से जमीन पर एक कंबल बिछाकर सो रहे हैं मोदी। कल से 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई मंदिरों में दर्शन करेंगे। तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में सुनेंगे रामायण का पाठ। भजन संध्या में भी होंगे शामिल। राम मंदिर के श्रम वीरों से एबीपी न्यूज संवाददाता ने बातचीत की। 2400 घंटे मंदिर निर्माण में जुटे श्रमिकों ने कहा जहां लोग आने के लिए तरस रहे वहां पर काम करना सौभाग्य की बात। झारखंड के धनबाद की रहने वाली सरस्वती देवी 30 साल के बाद तोड़ेंगी अपना मौन व्रत। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सीता राम कहकर पूरा करेंगी संकल्प। अयोध्या के सरयू तट पर नेपाली बाबा कर रहे श्री राम नाम महायज्ञ का आयोजन। अनुष्ठान के लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है। नेपाल से आए 21,000 पंडित भी हुए शामिल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला से कनेक्शन की आशंका। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तेज हुआ राम मंदिर का निर्माण कार्य। 22 जनवरी से पहले शेष काम को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी है। दिन रात यहां पर हो रहा है काम। चित्रकूट से प्रतापगढ़ पहुंची श्री राम की चरण पादुका। दर्जनों गाड़ियों के काफिले संग भारी सुरक्षा के बीच पहुंची मुख्यालय। शहरवासियों का उमड़ा हुजूम, भारी सुरक्षा इंतजाम। बरेली के किन्नर समाज का ऐलान 22 जनवरी को जन्मे बच्चों के लिए बधाई गाएंगे और नेक भी नहीं लेंगे। जो भी जजमान अपनी खुशी से नेक देगा उसे प्यार से स्वीकार करेंगे। गाजे बाजे के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुई प्रयागराज से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी। कहा बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनूंगी। यूपी के प्रयागराज में कलाकारों ने गंगा नदी के तट पर बनाई भगवान राम की कलाकृति। गंगा तट पर बालू से बनाया गया भगवान राम के मंदिर का मॉडल। अयोध्या के राम सेवक पुरम में भगवान राम की लीला दर्शाने वाली 500 से अधिक मूर्तियां की जा रही तैयार। राम मंदिर गलियारे में लगाई जाएंगी सभी मूर्तियां। राजस्थान के अजमेर में श्री राम मंदिर और भगवान की अंडर वाटर पेंटिंग बनाने की तैयारी है। 21 जनवरी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके नितिन 7 फीट की गहराई में उकेरेंगे राम का चित्र। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।